श्रीमद् भागवत का नाम अमर कथा कब से पढ़ा? कि एक समय की बात है, मैया पार्वती गृह कार्य कर रही, अपने घर को काम कर रही। अब नारद जी आ गए और नारद जी ने आके मैया से कहा, मैया प्रणाम। आओ महाराज, आसन दिया, बैठो महाराज, जल दिया, जल पियो महाराज, तीन आदर किए, आओ बैठो जल पियो। आने वाले अतिथि के तीन आदर तो करने ही चाहिए कि आओ बैठो पियो पानी, ये तीनों क्या मोल बेकानी। पैसे से नहीं आता है इसे। जब मैया पार्वती ने नारद जी का सम्मान किया, आदर किया, तो नारद जी बोले, मैया ये कहां से सीखा आपने? ये सत्संग से प्राप्त किया या बाबा ने बताई? मैया बोली, महाराज कुछ तो सत्संग से सीखा, कुछ बाबा ने भी बताई। नारद जी बोले, फिर तो बाबा कोई छुपाव नहीं करते होंगे। अरे महाराज की छुपाव की चल रही, वो तो बड़ा प्रेम करते। नारद जी बोले, चलो प्रेम करते तो अच्छी बात है, परीक्षा करके देख लेते प्रेम करते कि नहीं करते। अच्छा ये बताओ मैया, ये जो बाबा माला पहनते हैं ना, किसके बीजों की, ये बता दो। मैया बोली, बस यही नहीं बताई, और तो सब बताया। नारद जी बोले, कुछ भी नहीं बताया। नारद जी तो कह के चले गए। अब तो महाराज जैसे ही मैया पार्वती को पता चला, रो रो के बुरा हाल हो गया। इन माताओं की स्थिति यही है, बस पता चल जाए पति ने कहीं छुपाव किया है, पति ने ऐसा, और पता चल जाए बस पेड़ देखो। मैया पार्वती का रो रो के बुरा हाल हो गया। शंकर जी के चरणों में पछाड़ खा के गिर पड़ी मैया। शंकर जी बोले, देवी क्या हुआ? अरे किसी ने कुछ कह दिया? कह दिया तो बता, अभी भस्म कर देता हूं। तबीयत तो ठीक है? तबीयत यदि खराब है तो जड़ी बूटी दे देता हूं। यदि किसी ने कुछ कह दिया है तो बता, अभी भस्म कर देता हूं। मैया बोली, महाराज किसी ने कुछ कहा हो चाहे नहीं कहा हो, बात अलग है, मेरी तबीयत भी ठीक है, पर मुझे जो पता चला है मेरे मन को बड़ा कष्ट हुआ है। क्या पता चला है? बोले, आपके गले में जो माला है ये किसके बीजों की आज तक नहीं बताई आपने। शंकर जी बोले, देवी पहले तो ये बताओ, दो चार दिन में घर में कोई आया तो नहीं है? हाँ। मैया बोली, घर में कोई आया हो चाहे नहीं आया हो, पर आप छुपाव करते हो। देखो यदि पत्नी घर में कोई पुरानी बात को या कोई बात को कहे तुमसे, तो समझ लेना घर में कोई बीज बोके जरूर गया है। हाँ कन्फर्म है। इसीलिए संसार के पति पत्नियों सावधान हो जाओ। कोई कितना भी कुछ भी कहे, परंतु अपने विश्वास पर दृढ़ रहो। मैया बोली, बताओ आपने बताई आज? शंकर जी बोले, देवी ऐसा कोई समय कभी आया ही नहीं, कैसे बताता मैं, बताओ। चलो अब बता दो। हां अब बता दे। देखो प्रिय, जब प्रलय हो जाती है उसके बाद सृष्टि की रचना होती है तो तीन देवता प्रकट होते, ब्रह्मा विष्णु महेश। महेश मेरा नाम है। और कुछ समय के बाद आपका जन्म हुआ और आप बड़ी हो गई, आपका विवाह मेरे साथ हो गया।
तो मैं आपसे घनिष्ठ प्रेम करता और कुछ समय के बाद आपकी मृत्यु हो गई। प्रेम के कारण मैंने आपके शरीर को जलने नहीं दिया, वो शरीर गलगल के केवल मुंड रह गया। मैंने एक धागा लिया, उस मुंड को धागे में पोया और गले में पहन लिया। फिर आपका जन्म हुआ, फिर मेरे साथ विवाह हुआ, फिर आपकी मृत्यु हो गई, फिर मैंने आपके शरीर को नहीं जलने दिया, फिर मुंड रह गया, फिर धागे में पोया, फिर आपका जन्म हुआ, फिर मेरे साथ विवाह हुआ, फिर मृत्यु हो गई, फिर शरीर नहीं जलने दिया, फिर मुंड रह गया, फिर धागे में पो लिया। इस प्रकार ये 108 ये जो बीज दिख रहे हैं, ये 108 आपके मुंड हैं। ये मैया पार्वती ने लंबी सांस ली, हे भगवान एक बात बताओ, तुम तो छुपा भी नहीं करते, कपटी भी हो। शंकर जी बोले कैसे? बोले ये बताओ, आप कह रहे प्रेम करता हूं मैं, ये कैसा प्रेम है? मैं बार बार जन्म लेती रही, बार बार मरती रही, आप ये बताओ आप नहीं मरते कभी? शंकर जी बोले मैं नहीं मरता। मैया बोली क्यों? बोले मैंने अमर कथा पान की हुई है। मैया बोली यही तो मैं कह रही हूं, कपटी हो, कहते हो प्रेम करता हूं, कैसा प्रेम करते हो, खुद अमर हो गए और मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। शंकर जी बोले देवी समय है, ऐसे ही है, चलो अब कर देते हैं अमर। शंकर जी मैया पार्वती को लेकर अमरनाथ गए। देखिए शंकर जी ने मैया पार्वती को अमरनाथ में अमर कथा सुनाई, तभी से लोग अमरनाथ की यात्रा के लिए जाते हैं, अमर हो गया वो स्थान। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।